जावा स्विंग कंट्रोल्स, जावा स्विंग कंट्रोल्स। जावा स्विंग कंट्रोल्स, ठीक है ना। आगे देखें हम जे बटन, क्लियर। जे बटन मीन्स, जैसे सपोज मान लो ये आपके पास कोई फॉर्म है, इस टाइप से आपके पास कोई फॉर्म है, ये फॉर्म में आपने लिखा नेम, ये मैंने लिखा नेम, क्लियर। नेम के बाद में आपने लिखा क्लास, ये मैंने लिखा सपोज क्लास, ठीक है। क्लास के बाद रोल नंबर, मान लो सपोज ये जो फॉर्म है इसका नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। नेम, क्लास, रोल नंबर, इस टाइप से रोल नंबर, उसके बाद में है सिटी, या आप सिटी, और इसको मैंने कौन सा बॉक्स बना दिया, इसको कॉम्बो बॉक्स बना दिया, ठीक है। इसके बाद में देन ये एक बॉक्स, और यहां पर कुछ बटन्स लगा दिए, ठीक है। यहां पर ये बटन लगा दिए, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसमें जे बटन कौन सी है, कौन सी जे बटन, ये होती है जे बटन, क्लियर। जो किसी क्लिक करने पर किसी एक्शन को परफॉर्म करती हैं, दैट इज कॉल्ड जे बटन। जे मीन्स जावा, क्लियर है। जावा के बटन जो किसी एक्शन पर, किसी एक्शन पर कुछ परफॉर्म करती हैं, वो होती है बटन, क्लियर। यहाँ पर ओके एंड कैंसिल बोथ आर टू बटन्स। अरे क्लियर हुआ, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जे टेक्स्ट फील्ड। जे टेक्स्ट फील्ड, क्लियर। अब जे टेक्स्ट फील्ड मीन्स आप इसमें कुछ लिख सकते हैं, आप कुछ राइट कर सकते हैं, बट राइट कैसे करोगे, ओनली सिंगल लाइन। कौन से लाइन, सिंगल लाइन। सपोज आपको कुछ लिखना है यहां पर, ये जैसे मेरा कोई टेक्स्ट फील्ड है, इस टाइप से मैं एक टेक्स्ट फील्ड लिया। अब यहां पर मुझे कुछ लिखना है तो मैं इसमें सिर्फ सिंगल लाइन लिख सकता हूं, क्लियर है। सिंगल लाइन, इसको हम लिख सकते हैं सिंगल लाइन, सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड, सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड। एक लाइन का कोई आपको अगर टेक्स्ट लिखना है, जैसे देखो नेम है, नेम तो आप एक ही लाइन में लिखोगे ना, अरे क्लियर हुआ। दो तीन लाइन में नाम थोड़ी ना आएगा, नाम सिर्फ एक होता है, तो एक लाइन सफिशियंट है, क्लियर। तो ये जो से नेम है, नेम के आगे जो ये आपको ये बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स को ही हम क्या कहेंगे, जे टेक्स्ट फील्ड। अरे क्लियर हुआ, कोई डाउट किसी को, नो, ठीक। इसके बाद में जे पासवर्ड देखें हम, जे पासवर्ड। अब इसमें क्या होता है कि सपोज मैंने कुछ पासवर्ड लिखा, आपने देखा होगा पासवर्ड वाला फील्ड, आपने देखा होगा कभी भी कि जब हम पासवर्ड लिखते हैं तो पासवर्ड में जो भी कैरेक्टर होता है या नंबर होता है वो किसी स्पेशल कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी कैरेक्टर या नंबर किसी स्पेशल सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सपोज आपने लिखा ए, तो एक सपोज मान लो कि स्टार में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, स्टार में, क्लियर। तो आप कुछ भी टाइप करें वो किसी स्पेशल कैरेक्टर और सिंबल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक इस टाइप से बना होता है, अगर क्रॉस है इस पर क्रॉस है, मीन्स आप इसको स्टार के फॉर्म में देखेंगे, किसके फॉर्म में, स्टार के फॉर्म में। अगर आपने इस क्रॉस को हटा दिया, मतलब मीन्स इस पर क्लिक किया, तो क्लिक करोगे तो ये इसके ओरिजिनल फॉर्म में दिखेगा आपको, कैसे दिखेगा, ओरिजिनल फॉर्म में। कोई डाउट है, तो वो क्या हो गया, जे पासवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जे टेक्स्ट एरिया, जे टेक्स्ट एरिया मीन्स मल्टी लाइन
मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड, मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड। देखो ये सिंगल लाइन है, ये भी सिंगल लाइन है और ये भी क्या है, सिंगल लाइन। आप इसमें सिंगल लाइन के अलावा कुछ नहीं लिख पाएंगे, क्लियर है? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? आप इसमें इंटर करके सेकंड लाइन पे जाना चाहोगे, सेकंड लाइन होती नहीं है तो जाओगे कहाँ से, कि होती इसमें, क्लियर है? तो ये क्या है हमारा जे टेक्स फील्ड। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्यूरीज वगैरह या मल्टी लाइन लिखने की हमें रिक्वायरमेंट होती है। कोई हमें आपसे सपोज आप जब ऑनलाइन कभी कुछ चीज़ चलाते हैं तो वो आपसे सजेशन मांगते हैं कि आपको हमारी वेबसाइट कैसी लगी, आप सजेशन बताइए, क्लियर है? या कुछ क्यूरी वगैरह का एक ऑप्शन होता है और आगे एक बॉक्स बना होता है, तो वो जो बॉक्स होता है वो सिंगल लाइन नहीं होता, वो कैसा होता है, मल्टी लाइन। मल्टी लाइन मीन्स जे टेक्स्ट क्या एरिया, जहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है, दैट इज कॉल्ड जे टेक्स्ट एरिया। किसी को डाउट है? नो? चल नेक्स्ट है जे रेडियो बटन, जे रेडियो बटन, जे रेडियो बटन, ठीक है? अब जे रेडियो बटन, रेडियो बटन आपको पता होगा कि इस टाइप से लिखे जाते हैं। जब आपको किसी ग्रुप में से, ग्रुप में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो, ग्रुप में से, याद रखना किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्रुप की, ग्रुप में से किसी एक को, किसी एनी वन को आपको सेलेक्ट करना हो, देन बेस्ट ऑप्शन इज जे रेडियो बटन। हम ये बटन लगाएंगे, क्लियर? ये टेक्स्ट फील्ड से काम नहीं चलेगा, टेक्स्ट एरिया से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सिलेक्शन की। आप ऑनलाइन एग्जाम वगैरह कुछ देने जा रहे हैं तो एक एक ऑप्शन पर आपको टिक करना है, चाहे वो ऑप्शन कितने भी दियो, हो सकता है 4 दियो, 5 दियो, 6 दियो, कितने भी ऑप्शन दियो, बट आपको सेलेक्ट कितना करना, ओनली वन। तो ओनली वन सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन का काम है। तो फिर हम क्या लगाएंगे, जे रेडियो बटन। एट ए टाइम ओनली क्या होती है, एक सेलेक्ट होती है, वो कौन सी होती है, जे रेडियो बटन। कोई डाउट है? आपने सपोज इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, अब आपको लगा कि नहीं ये आंसर नहीं, ये दूसरा आंसर है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करने जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा, क्लियर? मींस ये अभी ग्रीन ग्रीन में रहेगा और बाकी सब क्या रहेंगे, अनेबल रहेंगे, मींस ब्लैक कलर में, जैसा भी कलर उसका बना हुआ हो, ठीक है ना। चल नेक्स्ट क्या है, चेक बॉक्स, जे चेक बॉक्स, जे चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स क्या होता है, यूजर इंडिकेशन। चेक बॉक्स क्या होता है, यूजर इंडिकेशन, किसी फॉर्म के एंड में लगा होता है। क्या बताता हमें, ये हमें एक मतलब ये हमें एक चेक करने के लिए कहेगा। जैसे कि आप सपोज मान लो कुछ डेटा डेटाबेस में सेव करने जा रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर सपोज गलती से आपका किसी बटन पर क्लिक हो गया तो वो आपका, देखो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो कैंसिल तो ईजिली हो जाएगा, कैंसिल इजी हो जाएगा। कैंसिल में चेकबॉक्स पे टिक करना कंपलसरी नहीं है, बट ओके पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना कंपलसरी है, क्योंकि आप इस डेटा को सर्वर पे या कहीं पर सेव कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं, तो डेटा आपका एक्यूरेट होना चाहिए। तो ये एक हमें, ये एक हमें क्या देता है, एक हमें एक मतलब ये एक एडवांटेज दे रहा है कि आप इसको सेव करने से पहले एक बार अपना पूरा का पूरा डाटा चेक कर लो, क्लियर? तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब जैसे क्लिक किया, अब चाहे आपने उसको पढ़ा या नहीं पढ़ा, चेक किया नहीं किया, आपने टिक कर दिया, सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड करेगा, मीन्स आपने उसको चेक कर लिया, क्लियर है? यहाँ पर टिक हो गया मीन्स चेक कर लिया है, चाहे आपने सही लिखा हो या गलत लिखा हो, फिर सॉफ्टवेयर की कोई गलती नहीं। कोई डाउट है? जैसे आप ओके करेंगे, ये डाटा जाके सर्वर पर या कहीं पर भी जैसा भी आप काम कर रहे हो उस पर जाके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। कोई डाउट? नो? नेक्स्ट देखो, चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स किसके लिए होता है? चेक बॉक्स होता है डेटा को चेक कर लें आप, एक अपना एक बहुत बड़ा अपने लिए एक एडवांटेज भी है, किसका, चेक बॉक्स का, ठीक। नेक्स्ट देखो, कॉम्बो बॉक्स। क्या है कॉम्बो बॉक्स? जे कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स मीन्स
देखो दोनों एक जैसे होते सेम, ये जो एरो बना है लिस्ट बॉक्स में भी यही एरो आएगा, लिस्ट में भी यही एरो आएगा और कॉम्बो बॉक्स में भी यही एरो आएगा। अरे क्लियर है, तीन ऑप्शन है आपके पास, एक जे लिस्ट, जे लिस्ट बॉक्स और जे कॉम्बो बॉक्स, ठीक है ना। लिस्ट बॉक्स में क्या, लिस्ट में क्या होगा, एक से ज़्यादा अगर आपको सिलेक्शन करना है, लिस्ट में से मोर देन वन अगर आपको सिलेक्शन करना है देन आप किसका यूज करेंगे, जे लिस्ट का, ओनली लिस्ट याद रखना, ओनली किसकी बात कर रहा हूं मैं, लिस्ट की। अब अगर आपको कोई भी चीजें लिस्ट में से ही सिलेक्ट करना है तो आप किसका यूज करेंगे, जे लिस्ट बॉक्स का। अरे समझे, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं सिलेक्शन भी हो जाए और अगर हमें सिलेक्शन में बहुत लंबी लिस्ट लग रही है तो आप उसमें कुछ टाइप भी कर लें तो बिल्कुल टाइप हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा फिर आपको, कॉम्बो बॉक्स। कोई डाउट, ठीक है। तो लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स में क्या डिफरेंस है, अगर आपसे सपोज एक्सेल पूछ सकता है, ठीक है ना। तो लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस यही है कि आप लिस्ट बॉक्स में सिर्फ लिस्ट में से सिलेक्शन करेंगे, जो उसमें लिखा उसी में से सेलेक्ट होगा, आप कीबोर्ड के थ्रू, कीबोर्ड से कुछ टाइप नहीं कर सकते, मतलब कीबोर्ड का कर्सर जाएगा ही नहीं वहां पर, ठीक है। और जो कॉम्बो बॉक्स होता है उसमें लिस्ट एज वेल एज टाइपिंग, कीबोर्ड से टाइप भी कर सकते हैं आप। डाउट राघव, नहीं आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट है वही अभी बताया मैंने आपको, जे लिस्ट, ठीक है ना। देन उसके बाद में है फोकस, ठीक है। उसके बाद में है गेट टेक्स्ट एंड सेट टेक्स्ट, फोकस नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। फिर है गेट टेक्स्ट एंड सेट टेक्स्ट। ये दोनों क्या है, ये दोनों है एक टाइप की मेथड्स, क्या है, मेथड्स। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंट टाइप की मेथड्स यूज होती हैं। अब मेथड्स क्या होते हैं मैं भी आपको बताऊं, इसके बाद वाला चैप्टर वही शो करता है, ठीक है ना। मेथड्स बनती हैं प्रोग्रामिंग में, क्लासेस बनते हैं, क्लासेस में ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। इनके बारे में अपन समझेंगे, फिलहाल अभी मेथड्स समझ लें। सभी जो जितने भी मेथड्स होती है उनका पर्टिकुलर टास्क होता है, क्या होता है, पर्टिकुलर टास्क। जैसे अभी मैं आपको कुछ फंक्शंस बताऊंगा, जब ये ब्रैकेट किसी के आगे लग जाते हैं तो वो फंक्शन या फिर मेथड होती है। तो ये एक फंक्शन है या मेथड है, क्लियर। ये वाले जो ब्रैकेट लगते हैं ध्यान रखना है इसको, ये क्या हो गया, फंक्शन या मेथड। कोई डाउट, अब मैं भी आपको बहुत सारे फंक्शन बताऊंगा। जैसे एक फंक्शन होता है SQR, ये क्लियर है। अब ये कब यूज होगा पता है आपको, जब आपको किसी नंबर का एस्क्योर करना हो, क्या करना हो, किसी नंबर का एस्क्योर करना हो। जैसे मैंने इसमें लिख दिया SQR और यहां पर क्या लिख दिया, 2, क्या लिख दिया मैंने, आंसर कितना आएगा पता है, 4, कितना आएगा आंसर, 4। मैंने यहां पर सपोज लिख दिया 3, आंसर इज 9, यहां पर लिख दिया मैंने 4, आंसर इज 16, क्लियर। तो ये टास्क होते हैं, क्या होते हैं, ये टास्क, फंक्शन पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। इसी टाइप से एक मेथड हमारे पास, एक मेथड मेरे पास यहां पर गेट टेक्स्ट एंड सेट टेक्स्ट मेथड है। इसका यूज क्या है, इसका यूज होता है कीबोर्ड से किसी टेक्स्ट फॉर्म के डेटा को सिस्टम में इंटर करना या प्रोग्राम्स को इनपुट देना, दैट इज कॉल्ड गेट टेक्स्ट मेथड। और इसका यूज होता है सिस्टम से जनरेट आउटपुट को सेट करना, सेट टेक्स्ट मेथड। क्लियर, कोई डाउट किसी को, नो, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट देखो फिर, बस नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8।
प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, किसकी बात करेंगे हम? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल मीन्स जब आप जावा के प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, किसी भी टाइप के जावा के प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, तो उसमें यूज़ होने वाले फंक्शंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल्स, ठीक है ना, उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? प्रोग्राम किससे बनते हैं, उसके कौन कौन से फंडामेंटल मतलब जो यूज़ होते हैं, वो अपन पूरे के पूरे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या लिखा हुआ बताएं, क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। अरे क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट। एंड सेकंड क्या है उसकी? क्लास। ऑब्जेक्ट एंड क्लास, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं क्लास को। क्लियर है? सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लास को। व्हाट इज क्लास? बोलते ना 11th क्लास, 12th क्लास, क्या है इसका मतलब? क्लास क्या है? क्लास एक टाइप का बिहेवियर है। क्या है? बिहेवियर। क्लियर? जिसे मैं बोल रहा हूँ कि 12th क्लास मीन्स ये ग्रुप को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? ग्रुप को, जो ये बता रहा है कि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से हैं? 12th वाले। मैंने बोला सपोज फ्रूट। क्लियर? ये क्या हुई? क्लास। मैंने पर्टिकुलर किसी फ्रूट का नाम लिखा है यहाँ पर? लिखा मैंने? नहीं, कुछ भी नहीं लिखा। क्लियर? तो ये मैंने क्लास लिखा है। मैंने बोला आर्मी, मैंने आर्मी लिखा है, मैंने किसी पर्टिकुलर का नाम थोड़ी ना लिया है, ठीक है ना। मैंने लिखा सपोज स्टूडेंट्स, मैंने स्टूडेंट्स लिखा है, मैंने आपका नाम थोड़ी ना लिखा। मतलब ऑल ऑफ द स्टूडेंट क्लास 12th। क्लियर? तो कोई सी भी क्लास के हो, लेकिन हम उसको नाम वाइज नहीं बताएंगे, नेम वाइज ही बताएंगे। उसको क्या बताएंगे? उनके बिहेवियर वाइज, कि ये फ्रूट है, ये स्टूडेंट है, ये आर्मी है, ये पुलिस है, तो ये इनका क्या होता है? क्लास। अरे समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? पहले ये होता है, कोई डाउट? अब क्लास को बिलोंग करने वाले पर्संस को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। मैंने लिखा एप्पल, फ्रूट के लिए एप्पल उसका ऑब्जेक्ट है। अरे क्लियर? आर्मी के लिए कोई भी जब मतलब जो सैनिक है वो उसका क्या है? ऑब्जेक्ट। मतलब कुल मिला के क्लास किन से मिलकर बनी है, किस से मिलकर बनी है? तो फ्रूट है तो वो फ्रूट से मिलकर बनी। अब उसमें एप्पल भी हो सकता है, बनाना भी हो सकता है, और कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ना? स्टूडेंट की बात करें तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट से मिलकर क्या बना है? स्टूडेंट क्लास बनी है। किसी एक पर्सन से कभी भी क्लास नहीं बनती है, कोई डाउट है? हाँ, एक पर्सन भी बिलोंग कर सकता है, बट वो क्लास जो अपन कहें कि बड़ी, एक बड़ी क्लास नहीं होगी। देखो, एक भी स्टूडेंट है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये क्लास नहीं, चाहे 12th का एक भी स्टूडेंट है तो क्लास 12th तो है। क्लियर? उसका एग्जिस्टेंस है, मतलब उसमें बिलोंग करने वाले ऑब्जेक्ट अगर एक भी है तो वो क्लास है। क्लियर? अब क्या है ऑब्जेक्ट? क्या होगा ऑब्जेक्ट? उसको बिलोंग करने वाले, मतलब वो क्लास में किसका कलेक्शन है, वो दैट इज कॉल्ड ए ऑब्जेक्ट। उसे क्या कहेंगे हम? उसका ऑब्जेक्ट। देखो क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट हैव स्टेट्स एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट्स हैव स्टेट्स एंड बिहेवियर। एग्जाम्पल, ए डॉग हैज स्टेट्स। डॉग क्या है यहाँ पर? स्टेट्स, मतलब स्टूडेंट एक स्टेट है। क्लियर? फिर क्या लिखा हुआ? कलर, नेम, ब्रेड एज वेल एज बिहेवियर सच एज वैगिंग, देयर टेल, बार्किंग, ईटिंग एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास। हो गया, इंस्टांस ऑफ ए क्लास। क्लियर? तो डॉग एक स्टेट है उसका। डॉग क्या? उसका स्टेट। और जो उसके कलर और जो उसका टेल वगैरह जो बिहेवियर है, वार्किंग वगैरह, वो क्या है उसके? क्या है उसके? अरे क्या है? बिहेवियर। क्या उसके? बिहेवियर। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? क्लास। ए क्लास कैन बी
defined as a template blueprint that describes the behavior state that the object of its type support. क्लास क्या है? क्लास में जो उसके बिहेवियर जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्लियर? जैसे मैंने बताया अभी कि फ्रूट क्लास है, लेकिन इसमें किस टाइप के बिहेवियर सपोर्ट कर रहे हैं कि जो भी ऑल ऑफ द फ्रूट्स कंटेन द फ्रूट क्लास. ठीक है, कोई डाउट? अरे समझ में आया कि नहीं? क्या टेम्पलेट, टेम्पलेट का यूज क्या है, है ना? तो देखो टेम्पलेट का यूज होता है, एक टाइप से हम बताएं कि टेम्पलेट, आपको उसको एक्सप्लेन करें हम. टेम्पलेट मीन्स होता है जैसे कि कोई आपने एक डेमो बना लिया, क्लियर है? वो उसका क्या बन जाएगा? टेम्पलेट. कोई डेमो टाइप से जो बनता है ना वो टेम्पलेट कहलाता है, डेमो, क्लियर? या हम बात करें जैसे कि इसमें दिया है, जैसे कि एक कोई डॉग है ना, कोई क्या है? डॉग. तो उसका जो डॉग है, डॉग क्या हुआ? इसका स्टेट्स मीन्स उसका नाम है, वो कैटेगरी का नाम है, स्टेट्स है, क्लियर है? अब डॉग की पूरी मैंने कैटेगरी बता दी. अब डॉग आपको पता है डिफरेंट कैटेगरी के डॉग होते हैं, कोई जर्मन शेफर्ड डॉग है, कोई देसी वगैरह है, मतलब डिफरेंट कैटेगरी के, है ना? तो डॉग स्टेट है और उनके बिहेवियर क्या है? उसके क्लास के बिहेवियर. वो जैसे कि उसका डॉग है तो डॉग की टेल होती है तो सभी की टेल होंगी, कलर है तो सभी के कलर होंगे, क्लियर है? और क्या है? वैगिंग वो सभी के होंगे, क्लियर है? ये उनके बिहेवियर है जो सेम चल रहे हैं, ठीक है ना? तो ये उनका एक टेम्पलेट्स है जो उनका फिक्स है, क्लियर है? अब स्टूडेंट एक स्टेट है, और स्टूडेंट के बिहेवियर क्या होते हैं कि स्टूडेंट हमेशा कोई ना कोई स्टूडेंट का सब्जेक्ट होगा. किसका? अरे भौंकना. हाँ तो वही लिखा है. कहाँ? अच्छा दोनों लिखा है. बेगिंग, किसी कुछ पता है? चलो देखते हैं, ठीक है, देखते हैं उसका मीनिंग समझते हैं, क्लियर? तो एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट एक स्टेट्स है, और इनके बिहेवियर क्या है? स्टूडेंट का हमेशा एक सब्जेक्ट होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, क्लियर? कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास का हो, डजेंट मैटर, क्लियर? तो स्टूडेंट का सब्जेक्ट होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का उसके बाद में स्टूडेंट का कोई ना कोई स्कूल कॉलेज जो भी है वो होगा, ठीक है? ये इसके क्या है? बिहेवियर. कोई डाउट है? दोनों चीज़ों में कोई डाउट है? समझ गए ठीक से? चलिए नेक्स्ट देखें हम, मेथड्स. नेक्स्ट क्या है? मेथड्स. अब मेथड देखो क्या होता है. मेथड इज बेसिकली ए बिहेवियर. ए क्लास कैन कंटेन मेनी मेथड्स. इट इज इन मेथड्स वेयर द लॉजिक्स आर रिटन. जिसमें क्या रिटन होते हैं? लॉजिक्स आर रिटन. समझना, मैंने अभी आपको एक मेथड बताई थी. कौन सी मेथड? गेट टेक्स्ट मेथड. अब इसमें लॉजिक रिटन होते हैं. लॉजिक रिटन मीन्स इसका कोई ना कोई टास्क होगा, पर्टिकुलर टास्क होगा, वो उसका लॉजिक कहलाएगा. अरे समझ में आया? इसका क्या लॉजिक है? क्या करता है ये? इनपुट डिवाइस से इनपुट डेटा गेट करना, ये इसका लॉजिक है, ठीक है? एक मैंने लिखा, सपोज मान लो अपर, ये सब मैंने लिखा. इसका क्या लॉजिक है पता है? इसका लॉजिक ये है कि जो भी आप स्ट्रिंग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? अपर में. जैसे सपोज एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अपर, और आपने लिखा आर ए एम. अब इसका आउटपुट क्या आएगा पता है? इसका आउटपुट आएगा आर ए एम. अरे क्लियर हुआ? ये लॉजिक है जो उसमें रिटर्न होते हैं.
रिटर्न मीन्स ये लॉजिक से ही उनको बनाते हैं, ये लॉजिक के कारण ही उनको बनाया है। इसका इसका लॉजिक ये है कि जो भी स्ट्रिंग होगी या जो टेक्स्ट होगा उसको अपर लेटर में कन्वर्ट करना है, ये इसका लॉजिक है। मैंने लिखा स्मॉल या स्मॉल की जगह लोअर, क्या लिखेंगे हम, लोअर, और यहाँ पर लिखा मैंने सपोज आर ए एम। अब इसका क्या लॉजिक है कि जो भी कैपिटल लेटर में लिखा है उसको किस में कन्वर्ट करना, लोअर में, तो क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, आर ए एम। अरे समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट है, ठीक है ना। तो मेथड्स में हमेशा लॉजिक होते हैं इसीलिए उनको यूज़ करते हैं, अदरवाइज यूज़ करने का कोई पर्पज़ थोड़ी ना है, क्लियर है। तो मेथड में क्या होते हैं, लॉजिक, और जो वो लॉजिक का जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो वो लॉजिक हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन करेगा, वो मेथड्स हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी। जैसे मुझे कभी अपर लोअर का यूज़ करना है या यूज़ होगा मेरे पास, तो मैं हमेशा इन लॉजिक्स का यूज़ करूँगा, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं दूसरे। अरे क्लियर है, ठीक है ना भाई। देखो बड़े ये अपर लोअर, इसमें पूरे के पूरे इनके फॉर्मूले वगैरह बने हुए हैं, है ना। तो जावा हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इन फॉर्मूलों को तो छोड़ो, आपके लिए कुछ मेथड्स हम डिज़ाइन करके ऑलरेडी बना चुके हैं, आपको जब इन लॉजिक्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप अपने लॉजिक्स को सिर्फ इनका यूज़ कर लो और आपकी आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे स्क्योर, अब स्क्योर का क्या लॉजिक है पता है आपको, क्या लॉजिक होता है स्क्योर का, सपोज ए कोई नंबर है, है ना, ए इंटू ए, जब ए का ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है पता ही आपको। अब ये लॉजिक हम यूज़ नहीं करेंगे, ये लॉजिक बनाने वाला ऑलरेडी कर चुका है, ये हमें नहीं करना है। हमें तो उसने पूरा ये लॉजिक यूज़ करके एक फंक्शन दे दिया है एस क्यू आर, एस क्यू आर टी, स्क्योर रूट, ये फंक्शन बना के दे दिया। आप तो सिर्फ नंबर लिखो, बाकी सब हो चुका है। अरे क्लियर, कोई डाउट। तो क्या लिखा है, ए मेथड इज बेसिकली ए बिहेवियर, ए क्लास कैन कंटेन मैनी मेथड्स, एक क्लास में कितने भी मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। इट इज इन मेथड वेयर द लॉजिक्स आर रिटन, क्लास इज मैनिपुलेटेड एंड ऑल द एक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। जब क्लास मैनिपुलेट होगी तो उसके अंदर जितने भी मेथड्स आपने लिखे हैं वो सब के सब एग्जीक्यूट होंगे, समझे आप। नहीं देखो इधर, सपोज मैंने क्लास बनाई, क्लास क्लास का नाम दिया मैंने एक्स वाई जेड, क्लास का नाम क्या है एक्स वाई जेड। मैंने इसके अंदर दो मेथड लिखी, एस एस क्यू आर, ये एक मेथड हो गई, एक लिखा मैंने अपर, एक लिखा मैंने लोअर, क्लियर। इस क्लास को यहाँ ओपन किया, यहाँ क्लास को क्लोज किया। अब देखो जब भी मैं इस क्लास को एग्जीक्यूट करूँगा, कौन सी क्लास को, एक्स वाई जेड को, तो इसमें जितने भी मेथड्स लिखे हैं वो क्लास के साथ साथ वो भी एग्जीक्यूट होंगे। अरे समझ में आया कि नहीं, क्लास क्या है, क्लास तो इनको लिखने के लिए क्लास बनाई है हमने, क्योंकि मेथड्स हमेशा क्लास के अंदर होती है। तो जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो मेथड को नहीं करना है, किसको करना है, क्लास को करना है। तो जब क्लास को करोगे तो मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अरे आया समझ में, कोई डाउट।